हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम अपने किचन में मैक एंड चीज़ बना रहे हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने पानी बॉईल गर्म करने रखा था, तो ये देखिए मेरे पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब इसके बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और उसके बाद ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल 2 टेबल स्पून लूँगी ताकि मेरी मैक्रोनी जो है वो चिपके नहीं और टूटे नहीं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसके अंदर अपना मैक्रोनी डालूंगी। मैक्रोनी मैंने पूरा 1 पैकेट लिया है और ये 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकेंगी। और अब जो है मेरी मैक्रोनी में बॉईल आ चुका है। अब मैं जो है चिकन रेडी करूंगी। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। ये सब चीज़ें मैं ऐड करूँगी। चिकन है और मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सा दूध लेंगे, नमक, कुटी हुई मिर्चें, ये सब चीज़ें हम ऐड करेंगे। और सबसे पहले अब हम चिकन बना के आपको दिखाते हैं। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, तो मैंने इसके अंदर लहसुन फ्राई कर लिया था। अब मेरे पास जो चिकन है वो मैंने सारी बोनलेस चिकन ली थी, तो मैं अब चिकन जो है इस पर फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह। अब इसमें थोड़ा सा हम चमचा चला लेंगे और इस चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे। अब चिकन भून लिया हमने, अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से चमचे चला लेंगे। ताकि जो हमने मसाले ऐड करे हैं वो सारे अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो जाए। अच्छा जी, तो अब मैंने ऑयल गर्म कर लिया था। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा डालूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। ओके जी, तो ये मैदा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और इसके अंदर अच्छी तरह से चलाऊँगी ताकि इसकी ना दूध में गुठलियाँ ना बने। तो जो हम ये सॉस बना रहे हैं, अब इसके अंदर जो मसाले डालेंगे मैं वो आपको बताती हूँ। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, नमक, ओरिगानो और काली मिर्च लिया, ये चीज़ें डाल दी हैं। अब इसके अंदर चीज़ और मैक्रोनी भी डालूँगी। अब इससे पहले हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चीज़ जो है हमारी पूरी मेल्ट हो जाए। तो ये हो गया है रेडी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी हमारी चिकन और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ताकि चिकन का जो टेस्ट है वो सारा सॉस में आ जाए। तो ये मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं मैक्रोनी ऐड करूंगी। जो मैक्रोनी मैंने बॉईल करी थी वो सारी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब आप ये देख सकते हैं मैंने मैक्रोनी भी मिक्स कर ली है। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़े से ओरिगानो डालूंगी। तो गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।